हरियाणा के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में कहा कि स्वास्थ्य विभाग को होम्योपैथिक नर्सिंग फार्मासिस्ट आदि सभी मेडिकल काउंसिल का डिजिटलाइज्ड रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रदेश में कहीं भी रह रहे चिकित्सकों को उनके घर द्वार पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि अब सभी चिकित्सकों के काउंसलिंग का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी चिकित्सक काउंसिल के पंजीकरण के बिना अब इलाज नहीं कर सकेगा। विशेषकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सकों के इलाज करने के मामले उनके संज्ञान में आ रहे थे। इस वेबसाइट से उन्हें दोहरा लाभ मिलेगा और वे दूसरी काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट का उपयोग बहुत ही आसान है। अब चिकित्सकों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर पंजीकृत लगभग 15,000 चिकित्सकों का ऑनलाइन नवीनीकरण करने के साथ साथ आवेदन एवं फीस जमा करवाने के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र भी 7 कार्य दिवस के अंदर मुहैया करवाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चिकित्सक को हर 5 साल बाद वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। अब चिकित्सक के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत पर जिला नेगलेंसी बुंग्यान ले सकेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए हेल्प भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट पर चिकित्सकों की वेरिफिकेशन RTI की सुविधा भी होगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि वेबसाइट के माध्यम से वर्ष 2011 तक का लंबित डाटा अपडेट हो सकेगा जो अब तक की IMR पर नहीं भेजा जा सकेगा। वेबसाइट पर 31 मार्च 2020 तक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य विभाग में जो जितनी भी हमारी काउंसिल्स हैं हमने उनको रिवाइव किया है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की काउंसिल है, चाहे फार्मासिस्ट की काउंसिल है, चाहे वो नर्सेज की काउंसिल है या HMC है, हमने इन सबको रिवाइव किया है और लगभग सबको हमने कहा है कि सब डिजिटल हो जाएं ताकि लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ज़्यादा परेशानी में ना पड़ना पड़े और अपने स्थान पर रहते हुए भी वो उसको अपने आप को रजिस्टर कर लें। अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था और देखने में आया कि बहुत सारे डॉक्टर बिना काउंसिल से रजिस्टर किए ही हरियाणा में प्रैक्टिस कर रहे थे। अब हमने अनिवार्य कर दिया कि कोई भी डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन कराए यहाँ पर हरियाणा में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, चाहे वो सरकारी डॉक्टर है चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर है। अगर हरियाणा में प्रैक्टिस करनी है तो सबको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और हर 5 साल के बाद उसका रिन्यूअल करवाना भी ज़रूरी है। बहुत सारे जो ख़ास तौर से हमारे दिल्ली के साथ लगते हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा था कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। उससे पेशेंट्स का भी नुकसान होता है क्योंकि अगर कोई पेशेंट कंप्लेंट करना चाहता है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है डॉक्टर तो उसको डील करने में दिक्कत आती है, कठिनाई आती है और उनका जो कंप्लेंट है वो हो नहीं पाती है। तो इसलिए इसको कंपलसरी किया गया और जो प्रेसिडेंट HMC है डॉक्टर अनेजा, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लेके इस वेबसाइट को तैयार करवाया और सारा काउंसिल ने इसमें लग के इसको तैयार करवाया और आज ये लॉन्च की गई है और मुझे उम्मीद है कि जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो सारे इससे पूरा लाभ उठाएंगे और सब मुझे लगता है कि सब अपने अपने रजिस्ट्रेशन इसमें करवाएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।